हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। काफ़ी कठिनाइयों को, मुश्किलों को पार करने के बाद, एग्ज़ाम्स को पास करने के बाद जब काउंसलिंग का दिन आया तो उसमें भी सरकार ने एक और बहुत ही बड़ी गलती कर दी। और इसमें 41,000 सीटें होने के बावजूद भी 6,000 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया। सिर्फ 34,660 लोगों का काउंसलिंग लिस्ट में नाम जारी किया गया। इसके अलावा लगभग 5,696 लोग जो कि काउंसलिंग से वंचित रह गए। और ये एक प्रकार से बहुत ही बड़ी गलती है सरकार के द्वारा। इससे काफ़ी अभ्यर्थियों के मन में बहुत ही रोष पैदा है और काफ़ी अभ्यर्थी बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। काफ़ी अभ्यर्थी अपनी प्राइवेट जॉब छोड़कर आ रहे हैं, कई जगह से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि अब ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन इसके बाद भी सरकार ने एक और इसमें बहुत ही गलत फैसला लिया है। तो दोस्तों, इस मामले में बहुत ही बड़ी या आप लोगों के लिए बहुत ही बुरी खबर है। लेकिन दोस्तों, अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जल्दी इस पर भी रास्ता निकाला जा रहा है। सचिव जी ने ट्वीट करके बताया है कि यह ऐसा जो हुआ वो आरक्षण के नियमों की वजह से हुआ है और जल्दी इसका रास्ता तैयार निकाला जा रहा है कि किस तरह से इन अभ्यर्थियों को भी ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएँ। तो दोस्तों, अभी इस बारे में आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया, मैंने काफ़ी लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताया और उसके बाद काफ़ी कॉल्स भी आ रही हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान हैं। वो लोग कह रहे हैं सभी कुछ एग्ज़ाम्स पास करने का, सब कुछ होने के बाद भी अंत में इस तरह से परेशान किया जाएगा, ये उम्मीद नहीं थी। और काफ़ी लोग काफ़ी खुश थे, तैयारी में थे कि अंत में उन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, काउंसलिंग में नाम आ जाएगा। लेकिन इसके बाद भी लगभग 5,696 लोग काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाए। और सचिव प्रभात कुमार जी ने आश्वासन दिया है कि जल्दी कोई रास्ता निकाल लेंगे इनके लिए। तो ये एक आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं सचिव कुमार जी ने क्या ट्वीट किया है, उसके बाद आगे की चर्चा कर। तो दोस्तों, ये देखिए, डॉक्टर प्रभात कुमार जी जो कि सचिव हैं बेसिक शिक्षा के, इन्होंने शाम को 8 बजे ट्वीट किया है। इन्होंने लिखा कि 40,296 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, इसमें से 34,600 कैंडिडेट को डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिए गए हैं और जो 5,696 अभ्यर्थी बचे हुए हैं उन ऑल्सो गेट अपॉइंटमेंट्स, देर इज़ नो अदर डिस्क्वालिफिकेशन। यदि इनके क्वालिफिकेशन रिलेटेड और कोई गलती ना पाई गई तो इन्हें भी जल्दी अपॉइंटमेंट लेटर यानी कि काउंसलिंग लेटर दे दिया जाएगा। NIC से इस बारे में कैटेगराइज करने की बात हो रही है, चर्चा की जा रही है। तो दोस्तों, ऐसा मान के चलिए यदि सब कुछ सही रहा तो कल तक सब कुछ हो जाना चाहिए। यदि दोस्तों नहीं हो रहा है तो मैं तो आप लोगों से कहूँगा कि सब लोग एकत्रित होकर कोर्ट का सहारा लें, कोर्ट के माध्यम से जाकर अपनी ज्वाइनिंग ज़रूर ले लें क्योंकि ऐसा सुनहरा अवसर बार बार नहीं मिलता है। और आप लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी दिनों बाद ये मौका आया है और इसमें भी यदि इस प्रकार का कार्य किया जाएगा तो ये बहुत ही गलत बात है। इसमें आप लोग कोर्ट का ही सहारा ले सकते हैं। तो यदि अभी कुछ ना हो तो सोमवार को आप लोग कोर्ट में ज़रूर जाकर वहाँ चर्चा करें, बड़े अधिवक्ताओं से मिलें, रिट लें। और मैं आपके साथ हूँ दोस्तों, जो भी जहाँ भी आप लोगों को ज़रूरत हो मैं आप लोगों के साथ हूँ। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन और मिलती है आप लोगों को बता दूंगा और मैं भी जहाँ तक हो सकता है पता करके आपको बता रहा हूँ कि आगे क्या हो सकता है, क्या होगा। तो हो सकता है कि आज आप लोगों का ये लेटर शाम तक जारी कर दिए जाएँ जो बचे हुए लोगों हैं उन लोगों के भी, क्योंकि 1 से 3 तक काउंसलिंग की डेट दी गई है। तो हो सकता है आप लोगों को 3 तारीख तक काउंसलिंग में शामिल कर लिया जाए। लेकिन अभी यह कहना मुश्किल है कि इतनी जल्दी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, ये जो कुछ भी हुआ ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल जाए। और दोस्तों, आगे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। वीडियो को लाइक करके बता दीजिए कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों को ज्वाइनिंग मिल गई है उन लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि बहुत ही गलत फैसला है, आगे चल के आप लोगों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। लगभग 6,000 लोग रह गए तो ये कोई छोटी बात नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, आप लोगों को इन्फॉर्म करना था कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आगे कोई सूचना मिलती है तो आप लोगों को तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।